गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरदयाल सिंह और अमृतसर का रहने वाला हाँ। मैं अपनी जॉब के नाल एक बहुत ही वधिया कॉन्सैप्ट करता पिया। असं अपने इस काम पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं। ये डॉक्टर, टीचर, वकील, हर तरह का परसन एजुकेटड और अनएजुकेटड काम कर रहा है और तुम भी ये अपने दो ढाई घंटे काम करके वधिया अपना पैसा बना सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम अपने अपना प्रोडक्ट को चेंज करके, एक शॉप को चेंज करके बढ़िया पैसा कैसे बना सकते हैं, मैं वो आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ। हम पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। हर बंदा कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, लेकिन वो अपना जो ड्रीम होते हैं उसको क्लियर नहीं कर पा रहा। हम काम कर रहे हैं CEO पे। CEO की फुल फॉर्म है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, कस्टमर को जागरूक करना। मान लो आपकी कोई भी काम करता है फील्ड में, उसकी पगार है 15,000 रुपया महीने की और 10 घंटे काम कर रहा है वो। अगर उसने अपनी 30,000 इनकम लेनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, महीने का 20 घंटे काम करना पड़ेगा। इससे प्रूफ क्या होता है कि जब वो बंदा अपने टाइम को प्लस करता है तो फिर उसका पैसा बढ़ता है। मान लो एक फैक्ट्री है कोका कोला की, उसमें 1,000 व्यक्ति काम करता है 8 घंटे, 8,000 घंटे काम चल रहा है कोका कोला के लिए। ये 1,000 बंदा कभी भी अमीर नहीं हो सकता क्योंकि टाइम प्लस हो रहा है कोका कोला के लिए। 1,000 बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, इसलिए उसकी इनकम उतनी ही मिलती है जितनी तय की जाती है। मान लो इनकी इनकम एक लेबर से शुरू हो जाए 15,000 रुपया और मैनेजर तक की लगा ले तो 50,000 रुपया मैनेजर तक बना रहा है। सो कोका कोला वाले बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है 100। हर बंदे को प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के बिना हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमेरिका का एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट T.Q. Saki और उसका सिद्धांत था कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय की हम गिनती करें तो 95% पढ़े लिखे लोग हैं और 5% पैसा है। इधर की गिनती करें 5% लोग हैं और पैसा 95% है। मेन रीजन क्या है, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की कर रखी है। जो एम्प्लॉय हैं इनके माता पिता अच्छा पढ़ा लेते हैं और ये क्या करते हैं, जॉब। जैसे कि 1,000 बंदा जॉब कर रहा है, जॉब गलत, जॉब करना गलत बात नहीं है, लेकिन जॉब बंदे को आगे बढ़ने नहीं देती। जो बंदा जॉब करता है वो सारी उम्र अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग चलता है। मान लो उसकी इनकम 15,000 रुपए से स्टार्ट होके 50,000 रुपए से ऊपर नहीं जा सकती। एक शॉप सेल्फ एम्प्लॉय कौन है, जो एक शॉपकीपर है, अगर शटर उठाता है दुकान का तो पैसा बनता है, अगर शटर बंद है तो उसका पैसा नहीं बनता। यानी कि जब उसका शटर ओपन होगा तभी उसका पैसा बनेगा, अगर शटर ओपन नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा। तो इनकी भी इनकम लगाएं 15,000 से स्टार्ट होके 70,000 से 80,000 रुपया बंदा बना सकते हैं। बिजनेसमैन कौन है, जिसके नीचे 1,000 बंदे से प्लस काम कर रहे हैं और यही लोग हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को काम पे रखते हैं और पैसा बना के एक दिन इन्वेस्टर बन जाते हैं। सो हर बंदा चाहता है इधर से इधर आना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, इन्वेस्टमेंट की। अब मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें 0% की इन्वेस्टमेंट है। कैसे, जैसे मान लो हम किसी भी शॉप से अपना सामान खरीदते हैं घर का, मार्केट से एक तरफ मार्केट है और एक तरफ वेस्टीज है। मार्केट में कहीं भी आप रजिस्टर्ड नहीं होते, नो रजिस्टर्ड, और वेस्टीज में आप फ्री में रजिस्टर्ड हो जाते हो जहां पे कोई पैसा नहीं लगता। एक आधार कार्ड की फोटो लगती है और एक पैन कार्ड की फोटो लगती है जिसमें आप लाइफ टाइम रजिस्टर्ड हो जाते हो। मार्केट से सामान लेने का बेनिफिट क्या है, आपको MRP पे सामान मिलता है,
और वेस्टी से सामान लेने पर 10-20% का आपको बेनिफिट आता है, मान लो एक घर का खर्चा। सेकंड, किसी भी दुकान से आप सामान खरीदते हो तो आपको कभी भी कोई फ्री में गिफ्ट नहीं दिया जाता, मान लो जो आता है वो भी दुकानदार अलग से बेच डालता है, यानी के कोई गिफ्ट नहीं मिलता। तो इसमें आपको 10% के फ्री गिफ्ट मिलते हैं 300 रुपए के। थर्ड, मान लो आज हर बंदा सिलेंडर, घर में एक सिलेंडर यूज करता है, सिलेंडर पे सब्सिडी आती है, बाकी जो करियाना है चाहे मनियारी है, चाहे वो अपना दूध वाला है, चाहे वो अपना मेडिसिन वाला है, किसी का भी आपको कैशबैक नहीं आता। जहां पे आपको 5-20% तक कैशबैक आता है, स्टार्टिंग में 5% लगाए 100 रुपया, 5, 3 और 1 900 रुपया। फोर्थ, मान लो आप बचपन से लेके अब तक कहीं किसी भी दुकान से पैसा खरीद रहे हो तो आपको कोई भी दुकानदार 1500 का सामान फ्री में नहीं देगा। अगर आप जहां से 3000 का सामान रेगुलर 4 मंथ खरीदते हो, हर 4 महीने के बाद 2500 रुपए का सामान कंपनी आपको फ्री में देगी, यानी के मुफ्त में देगी। अगर 2500 को साल का हम प्लस करें तो 7500 रुपया बनता है, 7500। और अगर 4 हफ्तों में इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 6×24 इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 1500 रुपया, यानी कि आपको 50% का बेनिफिट हर महीने आता है। चलो, मैंने तो यही पछाण, मैं घुले शाह, मिनी घुले शाह रसपाल है, मैं भी तुम इस बिजनेस बारे मैं बहुत कुछ दसूंगा, पर मैं अजे आप सीख लैन दो। आओ आप सारे इस MD नाल रल के इस बिजनेस वेखिए ते सीखिए, सारे जने रल के CEO नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के चलिए।